हाय वेलकम टू नवनीत आई एस सो हमने यहाँ पे जो है क्लास सेवेंथ का एनसीईआरटी हिस्ट्री का कोर्स जो है उसे स्टार्ट किया था एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट टू एंड इसके जो है हम ऑलरेडी टू चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर थ्री तो जिसमें हम बात करेंगे अबाउट दिल्ली सुल्तान्स राइट right? दिल्ली सुल्तानस के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे तो यही जो है वो पीरियड है यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में जो मीडिविल पीरियड है या फिर जो मध्यकालीन हिस्ट्री है वो यहाँ पे जो है स्टार्ट होती है राइट right, इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे सो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हमने जो है अराउंड जो चेंजेस यहाँ पे आ रहे थे मिडीविल पीरियड की तरफ जो हम यहाँ पे जा रहे थे फ्रॉम द पीरियड टू द मिडीविल पीरियड तो उन वन थाउजेंड की हमने यहाँ पे बात की थी 700 से लेके 1750 सीई एंड अप्रोक्सीमेटली इन 1000 थाउजेंड ईयर्स की हमने यहाँ पे बात की थी एंड uh, हमारा जो सेकेंड चैप्टर है राइट right, उसमें हमने uh, कुछ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में बात की थी कि नए किंग्स एंड किंगडम्स जो है वो यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं गुर्जरा प्रतिहाराज हो गए राइट right, चोलाज के बारे में भी बात की है सो टूडे वी विल डिस्कस अबाउट दिल्ली सुल्तान एंड यहीं से एक्चुअल में हमारा जो मिडीविल पीरियड है वो स्टार्ट होता है एंड यही वो पीरियड है जब से दिल्ली है रेट दिल्ली जो है वो एक इंपॉर्टेंट सिटी बन जाती है इससे पहले जो है आपने कभी भी किसी भी किंगडम में अगर बात करें किसी भी किंगडम को जो है दिल्ली की जो है दिल्ली जो है उसकी कैपिटल के तौर पे आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा राइट किसी भी किंगडम की जो है दिल्ली कभी भी कैपिटल नहीं रही है इस पीरियड से पहले बट हाई ओवर ये वो पीरियड अब यहाँ पे स्टार्ट होता है कि जब दिल्ली जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है पहले इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनता है एंड तो मार्स जो हो गए राइट वो जो है सबसे पहले दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाते हैं जब ये जो है एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनता है बट हाई ओवर अगर हम एक बड़ी किंगडम की कैपिटल के तौर पे देखें तो दिल्ली जो है वो दिल्ली सुल्तान के अंडर जो है जाके एक बड़े किंगडम की कैपिटल बनती है क्योंकि तोमार्स के अंडर जो है काफी छोटा सा एरिया था राइट वो ज्यादा जो है जगह तक जो है उनका कंट्रोल नहीं हुआ करता था राइट तो इन चीजों को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे सो so, ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है डायरेक्टली जो है वहां पे क्लिक करके आप इसे फॉलो कर सकते हो इस लिंक के ऊपर या फिर इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको जो है डेली जो लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की जो डेली न्यूज़ आर्टिकल्स टू रीड होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको जो है यहीं पर मिलेगी ओके तो so so, इससे पहले आपने यहाँ पे देखा होगा डेट की कावेरी डेल्टा जो है वो एक मेन सेंटर बन जाता है लार्ज किंगडम का हमने सेकेंड नंबर चैप्टर में भी पढ़ा है कि कावेरी डेल्टा के पास जो है काफी बड़े बड़े किंगडम्स है, आते हैं सो डिड यू नोटिस डेट देर वॉज अफ किंगडम विद्ली एज इट्स कैपिटल क्योंकि यहाँ पे जो है दिल्ली को किसी ने भी अपने कैपिटल नहीं बनाया था तो ओनली ट्वेल्व सेंचुरी में जाके राइट right? 12th सेंचुरी में जाके जो है दिल्ली एक इंपॉर्टेंट सिटी बनती है तो दिल्ली जो है इट बिकेम फर्स्ट फर्स्टली इट बिकेम कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत ओके okay? एंड तो मार राजपूत को जो है ट्वेल्थ सेंचुरी के मिडिल में बाद में चौहान्स ने हरा दिया था तो बाद में जो है दिल्ली फिर चौहान की कैपिटल भी बनती है तो सबसे पहले तो मार राजपूत ने दिल्ली को जो है अपनी कैपिटल बनाया था राइट तो ये भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो ये भी चीजें आपको जो है अपने माइंड में रखनी है तो चौहान्स जो कि जिन्हें हम चौहमानस भी बोलते हैं अजमेर से वो बिलोंग करते थे चौहानस ने जो है तो मार राजपूत को यहाँ पे हराया था ओके, सो इट वाज़ अंडर तोमार्स एंड द चौहान्स तोमार्स एंड चौहान्स के अंडर ही जाके जो दिल्ली है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बनता है यहाँ पे कई सारे जैन मर्चेंट्स जो हैं वो रहना स्टार्ट कर देते हैं उन्होंने कई सारे टेंपल्स भी यहाँ पे बनाए थे कॉइन्स जो होते हैं जिन्हें हम दिल्ली वाल बोलते हैं राइट वो भी यहीं पे बनाए जाते थे जो कि दिल्ली सुल्तान के अंडर जो ये कॉइन है काफी फेमस थे तो दिल्ली वाल जो कॉइन है राइट वो यहीं पर मिंट किए जाते थे जो कि वाइड सर्कुलेशन में थे एंड हाई ओवर अगर हम बात करें कि दिल्ली जो है एक बड़े किंगडम की कैपिटल कब जाके बनती है दिल्ली सल्तनत के अंडर जाके जो है जब दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन यहाँ पे स्टार्ट होती है तब जाके जो दिल्ली है एक बड़े किंगडम की कैपिटल बनती है उससे पहले जो है तोमार राजपूत एंड जो चौहान्स थे इनके पास जो है काफी छोटा सा एरिया था तो उनकी ये कैपिटल रहती है बड़े किंगडम की कैपिटल जो है ये दिल्ली सुल्तान के अंडर जाके बनती है इन द बिगिनिंग ऑफ थर्टीन सेंचुरी तो ये भी चीज जो है आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है सो so, दिल दिल्ली सुल्तान बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया डेट वी नो एज अ दिल्ली राइट right? तो अगर हम बात करें तो आप दिल्ली जो है आज आप देखते हो 2021 में जो दिल्ली आज आप यहाँ पे देखते हो वो काफी बड़ा एरिया है पहले जो है वो इतना बड़ा एरिया नहीं था दिल्ली जो है एक छोटा सा एरिया था तो इसके आसपास जो है दिल्ली के सुल्तान्स ने कई सारी छोटी छोटी जो सिटीज है वो यहाँ पे बसाई थी तो बाद में जो है इन सारी सिटीज को कंबाइन कर दिया गया था एंड इसे जो है एक ही दिल्ली में ही यहाँ पे एड कर दिया गया था ओके तो ये जो सारी सिटीज थी जैसे शाहजहानाबाद हो गई तुगलकाबाद हो गई तो ये जो सिटीज है ये दिल्ली सुल्तान्स ने ही बनाई थी राइट right? तो इस तरह से दिल्ली का जो एरिया है वो भी धीरे धीरे दिल्ली सुल्तान के अंडर जो है वो बढ़ता जाता है तो ये यह आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपके चाहमाना जो कि चौहान रूलर हैं इतना छोटा सा एरिया था इनके पास तो बाद में जो है तोमार्स जो है राइट right? इनके पास जो है ये इतना सा एरिया था तो इनके अंडर जो दिल्ली है वो इनकी कैपिटल बनती है तो बाद में चौहान ने यहाँ पे तोमार्स को भी हरा दिया था तो फिर ये सारा एरिया जो है बाद में जो है चौहान के अंडर ही आ जाता है ओके okay? तो इन्हीं के अंडर जो दिल्ली है वो एक कैपिटल बनती है इससे पहले जो है किसी भी किंगडम की कैपिटल वो नहीं बनी थी तो अब दिल्ली के रूलर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हिरारकी पहले देख लेते हैं तो बाद में जो है वन बाय वन इन सभी रूलर्स के बारे में देखेंगे क्योंकि ये हिरारकी भी जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले दिल्ली में राजपूत डायनेस्टीज आती हैं राइट सबसे पहले यहाँ पे दिल्ली में कौन सी आती है राजपूत डायनेस्टीज आती हैं उनके अंडर सबसे पहले थे तोमार्स जैसे कि आप जानते ही हो कि तोमार्स के अंडर जो है दिल्ली सबसे पहले कैपिटल बनी थी ओके तो आप जो है तभी से हम बोल सकते हैं कि जो रूलर्स हैं यहाँ पे दिल्ली के उनके उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले तोमार्स आते हैं अर्ली ट्वेल्व सेंचुरी से लेके 1165 तक इनका रूल रहता है देन अंगापाला हो गए इलेवन से 1145 राइट ये तोमार्स ही हैं ओके एंड आफ्टर डेट यहाँ पे आ जाते हैं आपके चौहान्स ओके okay. चौहान जो है वो तोमार्स को यहाँ पे हरा देते हैं तो अंगापाला जो है वो भी तोमार्स से ही बिलोंग करते हैं तोमारा से ही देन आ गए देखो जो है वो 1165 से लेके 1192 तक इनका टाइम पीरियड रहता है चौहान्स के इंपॉर्टेंट रूलर थे पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया था तो सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी की अगर बात कर ले यहाँ पे आपकी आ गई राजपूत डायनेस्टी राजपूत डायनेस्टी के अंडर आ गए आपके तोमार्स राइट right? एंड दूसरे आगे आपके यहां पे चौहान्स राइट right? तो अब तो मार्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे अंगापाला एंड चौहान्स जो थे राइट right? इनके अंडर आ जाते हैं आपके पृथ्वीराज चौहान राइट right? इस तरह से इनकी हिरारकी है तो ये चीजें आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है एंड आफ्टर डेट हमारे पास आ जाते हैं टर्किश रूलर अब कुछ टॉक्स जो हैं वो हमारे भारत में आते हैं अर्ली थर्टीन सेंचुरी की बात करें 1206 से लेकर 1290 तक जो है ओवरऑल इनका यहाँ पे रूल रहता है तो सबसे पहले आ जाते हैं कुतुबुद्दीन तो एबक 1206 से लेकर 1210 देन इल्तुतमिश आ जाते हैं 1210 से लेकर 1236 तक इनका पीरियड है देन रजिया आ जाती हैं 1236 से लेकर 1240 तक एंड देन घियासुद्दीन, बालबान आ जाते हैं 1266 से लेकर 1287 तक इनका जो है ये टाइम पीरियड रहता है तो ये तुर्किश रूलर्स थे कौन-कौन से थे कुतुबुद्दीन ऐबक शम्सुद्दीन इल्तुतमिश रजिया एंड गयासुद्दीन बलबन हो गए राइट सो आफ्टर दैट यहां पे आ जाती है खलजी डायनेस्टी 1290 से लेके के बीच में तो इनके इम्पोर्टेंट रूलर थे जलालुद्दीन खलजी एंड दूसरे हैं अलाउद्दीन खलजी राइट एंड आफ्टर डेट आ जाते हैं आपके तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 के बीच में इनका रूल रहता है तो इनके इम्पोर्टेंट रूलर्स थे घयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोशा तुगलक ओके एंड आफ्टर डेट जो है यहाँ पे आती है सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1451 तक इनका पीरियड रहता है तो इनके इंपॉर्टेंट रूलर थे खिजर खान राइट एंड आफ्टर डेट जो है लास्ट में जो डायनेस्टी आती है वो है लोदी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526 तक इनका पीरियड है एंड इनके इंपॉर्टेंट रूलर हैं बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक इनका रूल रहता है राइट right? तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है दिल्ली सुल्तान्स के अंदर कौन कौन सी डायनेस्टीज आती हैं एंड उन डायनेस्टीज के जो है इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है सो इट वॉज ड्यूरिंग दी एंड एंडल राइट जो दिल्ली है राइट वो काफी ज्यादा जो इनका एक दिल्ली जो सल्तनत है वो काफी ज्यादा यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है एंड इवन यहाँ पे इलतुतमिश के अंडर भी जो है दिल्ली यहाँ पे इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाती है बट हाईवर यहाँ पे अगर बात करें हम खलजी डायनेस्टी की या फिर तुगलक डायनेस्टी की इनके अंडर जो है यहाँ पे दिल्ली जो है वो दूसरे काफी बड़े एरिया तक जो है ये फैल जाती है दिल्ली सल्तनत राइट तो अब जो है इन दिल्ली सुल्तान के बारे में हमें जो है पता कहाँ से चलता है ऐसा क्या सोर्स है जो हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जैसे कि आप जानते ही हो कि इंस्क्रिप्शन हो गए कॉइन्स हो गए आर्किटेक्चर जो है काफी ज्यादा इनके द्वारा बनाए गए थे तो इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली एंड सुल्तानी कुछ यहाँ पे हमारे पास जो है हिस्ट्रीज है इनकी राइट हिस्ट्रीज है जिन्हें जो है तारीख या फिर तवारीख भी बोला जाता है तारीख जो होगी सिंगुलर वर्ड हो गया एंड त्वारख जो है वो प्लुरल वर्ड हो गया तो हिस्ट्रीज जो होती है ये तारीख होती है एंड दीज आर रिटन इन दर्सियन लैंग्वेज पर्सियन लैंग्वेज जो है वो दिल्ली सुल्तान्स की एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी तो ये भी चीज जो है आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव ओके एंड अब इन त्वारीख के जो ऑथर्स हुआ करते थे वो काफी लर्न मैन हुआ करते थे जैसे कि सेक्रेटरीज हो गए एडमिनिस्ट्रेटर्स uh, हो गए पोइट्स हो गए या फिर कोर्टियर्स हो गए वो जो है त्वारीख को यहाँ पे लिखा करते थे त्वारीख जो हिस्ट्रीज हो गई यहाँ पे दिल्ली सुल्तान्स की ओके okay? तो ये वो लोग हुआ करते थे who both recounted the events and advised the rulers on the governance. तो मीन जो है इवेंट्स को जो है इन्होंने अच्छे से देखा भी है एंड रूलर्स को जो है गवर्नेंस किस तरह से चलानी है उसके रिगार्डिंग जो है ये एडवाइस भी दिया करते थे एंड इम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द जस्ट रूल एंड ये भी बताते थे कि एक सही रूल जो है वो किस तरह का होना चाहिए तो वो भी चीज़ें जो है यहाँ पे दिल्ली सुल्तान्स को ये लोग बताया करते थे ओके बट जो है आपको ये चीज़ कुछ एडिशनल डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे माइंड में रखने हैं कि जो त्वरिक के ऑथर्स थे वो ओनली सिटीज में ही रहा करते थे मेनली दिल्ली में ही वो रहा करते थे एंड हार्डली जो है वो विलेजेस में रहते थे तो मोस्टली जो है ये सिटीज से ही बिलोंग करते थे तो मोस्टली जो है ये सुल्तान की हिस्ट्री जस्ट रिवॉर्ड्स के लिए ही लिखा करते थे तो ऑब्वियसली जो है उनके बारे में जो है ये अच्छा ही लिखेंगे ओके अगर वो रिवॉर्ड्स के लिए लिख रहे हैं तो सो so, दीज ऑथर्स एडवाइस रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडल सोशल ऑर्डर तो ये जो ऑथर्स थे वो रूलर्स को एडवाइस करते थे कि आइडल सोशल ऑर्डर किस तरह का होना चाहिए तो ये जो आइडल सोशल ऑर्डर था इन इन राइटर्स का इट वॉज बेस्ड ऑन दी बर्थ राइट एंड देंडर डिस्टिंगशन तो यहाँ पे बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन जो है वो इनके सोशल ऑर्डर में जो है वो आपको दिखाई देगा तो अब ये बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिशन क्या होते हैं बर्थ राइट राइट जो होता है ये कुछ ऐसे प्रिवलेजेस होते हैं जिसे जो है बर्थ के बेसिस पे यहाँ पे क्लेम किया जाता है राइट फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलीव डेट नोबल इनहेरिटेड देयर टू गोवन वन की जो नोबल है जो कि अच्छी पोजिशन पे है राइट right? तो अगर उनके बच्चे हैं राइट right? उनका जो है ये बर्थ राइट right है कि उन्हें भी जो है यहाँ पे अच्छी पोजिशन ही मिलेगी क्योंकि जो है वो एक सर्टिन फैमिलीज में जो है पैदा हुए हैं ये हो गया उनका बर्थ राइट right. तो अगर वो लो जो है लो कास्ट की फैमिली में से बिलोंग करते हैं तो वो उनके जो बच्चे हैं राइट वो भी जो है वही काम करेंगे जो उनके पिता यहाँ पे कर रहे हैं तो इस तरह से होता है बर्थ राइट हो गया दूसरा जेंडर डिस्टिंक्शन हो गया मैन एंड वुमेन के बीच में जो है यहाँ पे कुछ सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफ्रेंसेस आ जाते हैं तो यूजली ये जो डिफ्रेंसेज थे ये ये आर्ग्यू करने के लिए यूज किए जाते थे कि जो मैन है दे आर सुपीरियर देन वुमेन उस समय की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये चीजें आपको जो यहाँ पे माइंड में लेके चलनी है ओके okay? तो इस तरह के आइडियाज जो हैं वो हर पर्सन यहाँ पे फॉलो नहीं करता था उस समय में तो ऐसा नहीं है कि सारे रूलर्स जो हैं वो इस तरह के आइडियाज को फॉलो करते थे एक ऐसा एग्जाम्पल भी है सुल्तान इल्तुतमिश का उन्होंने जो है अपनी डॉटर को जो है सुल्तान बनाया था ओके okay? रजिया जो कि उनकी डॉटर थी उन्हें यहाँ पे सुल्तान बनाया था 1236 में तो उस समय के कुछ एक क्रोनाइकलर हैं मिनहाज ए सिराज तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि जो रजिया है राइट right? जो है वो ज्यादा एबल एंड क्वालिफाइड है देन ऑल हर ब्रदर्स तो सुल्तान इर्तुतमिश के जो है अपने बेटे भी थे उन्हें भी जो है वो रूलर बना सकते थे ओके तो जेंडर डिस्टिंगशन के बिहाफ पे या फिर बर्ड ट्राइड के बिहाफ पे बट उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने जो है एबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन देखी तो उसके बेसिस पे जो रजिया है वो ज्यादा एबल एंड क्वालिफाइड थी देन ऑल हर ब्रदर्स ओके बट क्या होता है यहाँ पे ऑब्वियसली जो उनके ब्रदर्स थे वो जो है कंफर्टेबल नहीं थे कि उनकी जो बहन है वो यहाँ पे रानी बने वो क्वीन बने एज ए रूलर जो है वो यहाँ पे राज करे एंड इवन जो नॉबल्स थे वो भी जो है हैप्पी नहीं थे ओके सो डेट इज वाई जो है आप बाद में जो है कुछ ऐसी कॉन्स्पिरंसी उनके खिलाफ यहाँ पे की जाती है रजिया के खिलाफ कि उन्हें जो है 1240 में थ्रोन से उन्हें हटा दिया जाता है राइट right? सो so अब जो है एक छोटा सा ये गैरिसन टाउन हुआ करता था जो दिल्ली है वो एक छोटा सा गेरिसन टाउन है मीन एक छोटा सा टाउन है ये एंड इसके इर्द गिर्द जो है बड़े बड़े जो फोर्ट्स हैं वो यहाँ पे बनाए गए हैं तो एक छोटा सा गेरिसन टाउन था टू एम्पायर तो बाद में जो दिल्ली है वो एक पूरी एम्पायर किस तरह से बनती है ये दिल्ली जो है एक छोटा सा टाउन था ओके एक छोटा सा गेरिसन टाउन था तो ये जो है सल्तनत किस तरह से बनती है राइट उसके बारे में अब बात करेंगे द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत सो अर्ली थर्टीन सेंचुरी में जो दिल्ली सुल्तान थे उनका जो कंट्रोल था इट हार्डली वेंट बियॉन्ड बेंट बियोड दाउन ऑक्यूपाइड बाई क्या था सुल्तान जो है दे सेल्डम कंट्रोल द दिंटरलैंड ऑफ दिटीजरलैंड जो अंदर वाले एरियाज होते हैं या फिर जो दिल्ली के आसपास के ज्यादा दूर तक जो एरियाज नहीं होते हैं जस्ट छोटे मोटे आसपास के जो सिटीज हैं उन्हें हम हाँ जो हिंटरलैंड बोल सकते हैं ट्रेड ट्रिब्यूट और द प्लंडर फॉर दप्लाईज तो जो सुल्तान थे उस समय में जो है जस्ट ट्रेड के ऊपर ट्रिब्यूट के ऊपर या फिर जो प्लंडर मचा के जो है वो चीजों के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे ओके okay? तो दिल्ली के आसपास के जो एरियाज बंगाल हो गया या फिर जो सिंध हो गया वहां तक पहुंचना जो है उस समय में काफी डिफिकल्ट था इनके लिए बंगाल एंड सिंध जैसे जो एरियाज हैं यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में सो so, ये जो यहाँ से एक छोटा सा एरिया यहाँ पे हुआ करता था ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं था तो यहाँ से जो है दूर के एरियाज सिंध हो गया या फिर इस तरह के यहाँ पे जो बंगाल के जो एरियाज हो गए यहाँ तक पहुँचना जो है इनके लिए काफ़ी मुश्किल हुआ करता था क्योंकि उस समय में इतने अच्छे जो है साधन भी नहीं थे इनके पास ओके सो so, ऑब्वियसली इनकी सिटीज़ में विद्रोह भी होते रहते थे वॉर भी होते रहती थी एंड कई बार जो है बैड वेदर भी हुआ करता था तो जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन राउट्स हैं राइट वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे इनके लिए एंड दूसरी तरफ यहाँ पे जो है मंगोल इन्वेजन्स भी हो रहे थे फ्रॉम दी अफगानिस्तान जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है हमारे भारत का वहाँ से जो मंगोल्स हैं वो भी हमारे भारत के ऊपर बार बार हमले करते थे तो जो दिल्ली सुल्तान के लिए जो है काफी मुश्किल हुआ करता था उन्हें भी संभालना तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था उनके लिए एंड तो क्या होता है द सल्तनत रियली सर्वाइव दीज चैलेंज तो सल्तनत जो है वो काफ़ी मुश्किल से जो है इन चैलेंजेस को सर्वाइव कर पाती है राइट right? बट हाउ एवर जो एक्चुअल में जो एक्सपेंशन होती है वो कब यहाँ पे स्टार्ट होती है घयासुद्दीन बालवान अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक के अंडर जाके जो है उनकी रूल के अंडर जो है एक्सपेंशन यहाँ पे स्टार्ट होती है तो ये क्या करते हैं एक्सपेंड किस तरह से करते हैं सबसे पहले जो इनके इंटरनल फ्रंटियर होते हैं सल्तनत के पहले जो है उन्हें ये कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं मीन जो हिंटरलैंड हो गए इनके ओके okay, हिंटरलैंड जैसे कि आपको बता ही चुकी हूं कि दिल्ली जो एरिया है यहाँ पे सपोज यहाँ पे जो एक दिल्ली एरिया है उसके जो आसपास की जो सिटीज हैं जिनके साथ इनके कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे हुआ करते थे इन एरियाज को जो है पहले ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इसे हम जो है हिंटरलैंड बोल सकते हैं या फिर इनके इंटरनल फ्रंटियर्स हो गए पहले जो है इन्हें कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं इस तरफ जो है अपने कैंपेन सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं ओके तो ड्यूरिंग दिस कैंपेन्स इन लोगों ने क्या किया था कि गंगा यमुना दुआब जो है राइट right? वहां उन्हें जो है वहां के जो कुछ फॉरेस्ट थे उन्हें पहले क्लियर किया एंड वहां से हंटर गैदर्स एंड जो पेस्ट्रोलिस्ट होते हैं उन्हें जो है उनके हैबिटेट से बाहर निकाल दिया गया था ओके okay? यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है हिंटरलैंड की दी लैंडन टू अटी और पॉट दैट सप्लाई इट विद दुड्स एंड सर्विस जिनके साथ इनके कनेक्शन हुआ करते थे उन्हें जो है इंटरनेंट बोला जाता है एंड गैरिसन टाउन जो होता है फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स होती है एंड उसमें जो है सोल्जर्स खड़े होते हैं ओके तो अब ये जो लैंड थी ये जो फॉरेस्ट जो है यहाँ पे गंगा यमुना दुआब में जो है क्लियर करवाए जाते हैं तो वहाँ के जो लोग थे जो वहां पर रह रहे थे उन्हें जो है बाहर निकाल दिया जाता है एंड ये जो लैंड्स है इन्हें फ्री करके पीजेंट्स को दे दी जाती है एंड वहाँ पे एग्रीकल्चर को इनक्रेज किया जाता है तो दिल्ली सुल्तान जो है सबसे पहले अपने जो है इंटरनल फ्रंटियर जो थे इनके राइट इंटरनल फ्रंटियर को जो है पहले वो कंसोलिडेट करते हैं तो यहाँ पे टोटली अपनी पावर जो है अपना कंट्रोल जो है वो मजबूत कर लेते हैं ओके okay? यहाँ पे नए किले बनाए जाते हैं नए टाउन्स जो है वो स्टेबलिश किए जाते हैं सो so डेट की जो ट्रेड राउट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके एंड जो रीजनल ट्रेड है वो यहाँ पे प्रमोट किया जा सके ओके एंड सेकेंड एक्सपेंशन जो है इन रूलर्स की कब स्टार्ट होती है कहाँ पे तो इनके एक्सटर्नल फ्रंटियर्स थे मीन दूर दूर के जो एरियाज होते हैं वहां पे अब जो है ये एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं तो साउदर्न इंडिया तक ये पहुंच जाते हैं अलाउद्दीन खलजी के अंडर एंड मोहम्मद तुगलक के अंडर मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर जो है ये जो एक्सपीडिशन होती हैं वो कंप्लीट हो जाती है ओके okay? तो अपने कैंपेंस में ये जो सल्तनत थी वो क्या करती हैं सल्तनत जो आर्मीज होती हैं वो एलिफेंट्स को कैप्चर करती हैं हॉर्सेस को कैप्चर करती हैं स्लेव्स को कैप्चर करती हैं एंड इवन कुछ जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं वो भी अपने साथ ले जाते हैं एंड मोहम्मद बिन तुगलक के रूल के एंड होते होते जो है मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जब इनकी दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट हुई थी उसके डेढ़ सौ साल के बीच बीच में जो है इन्होंने जो है हमारे इंडिया जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसके लार्ज पार्ट को कवर कर लिया था

सो so, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम बोल सकते हैं जिन्हें जो है इन लोगों ने दिल्ली के जो सुल्तान हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी थी, थी हम जो है बोल सकते हैं मस्जिद को ओके तो मस्जिद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो मॉस्क्यू है उसे मस्जिद बोला जाता है अरेबिक में लिटरली एक ऐसी प्लेस होती है यहाँ पे जो मुस्लिम है वो अपने अल्लाह को अल्लाह के लिए प्रेयर करते हैं ओके okay? तो कॉन्ग्रीगेशनल होती है कॉन्ग्री मॉस्क्यू मीन यहाँ पे जो है सभी लोग इकट्ठे मिलके जो है नमाज अदा करते हैं तो कॉन्ग्री मॉस्क्यू को हम जो है मस्जिद ए जामी और जामा मस्जिद भी बोलते हैं यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो प्रेयर्स को पढ़ते हैं इकट्ठे मिलके ओके, okay? so, जो मेंबर्स होते हैं के, वो जो है सबसे रिस्पेक्टेड एंड जो लर्नड मेल होता है उसे अपना लीडर मानते हैं उन्हें जो है अपने लीडर के तौर पे जो है वो चूज कर लेते हैं एंड उस लीडर को क्या बोला जाता है उस लीडर को जो है इमाम बोला जाता है ओके सो डेट के जितने भी रिचुअल्स हैं प्रेयर के वही परफॉर्म करेगा राइट right? एंड जो फ्राइडे प्रेयर होती है जिसे हम जुम्मा नवाज भी यहाँ पे बोलते हैं तो वो ही ऑल्सो डिलीवर्स दरमन सरमन क्या होते हैं खुतबा बोला जाता है सरमन को तो फ्राइडे प्रेयर के तौर पे जो है वो सरमन भी यहाँ पे देते हैं तो ये चीजें ये जो वर्ड्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो जब प्रेयर करते हैं मुस्लिम्स तो अपना फेस किस तरफ करते हैं मक्का जो कि इनकी होली प्लेस है राइट right? मुस्लिम्स की तो जिस लोकेशन में मक्का जो है वो प्रेजेंट है राइट right? वहाँ पे लोकेटेड है उसी लोकेशन की तरफ अपना फेस करके जो है ये प्रेयर करते हैं तो इंडिया में ये लोकेशन जो है वो वेस्ट में है ओके okay? तो वेस्ट की तरफ जो है ये फेस करते हैं एंड इस लोकेशन को इंडिया में जो है किबला बोला जाता है ये जो वेस्ट लोकेशन है वेस्ट लोकेशन इंडिया In इसे जो है क्या बोला जाता है इसे जो है किबला बोला जाता है राइट right? तो दिल्ली सुल्तान ने जो है कई सारी मॉस्क्योस बनाई थी ऑल ओवर दब कॉन्टिनेंट यहाँ पे एंड ये जो है ये दिखाने के लिए जो है बताया था कि हम जो है इस्लाम के एंड मुस्लिम्स के प्रोटेक्टर्स हैं ये इन लोगों ने इसी की वजह से किया था क्योंकि बड़े बड़े मॉस्क्यो इसी की वजह से ये बनाते हैं एंड इवन मॉस्क्योज ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट अस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हुए सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट तो ये भी बताने की इन्होंने कोशिश की थी कि uh, जो है सेम कोड ऑफ कंडक्ट एंड हम जो है सेम बिलीफ जो है वो यहाँ पे उसमें बिलीव uh, करते हैं ओके एंड इट वाज नेसेसरी टू री इन्फोर्स इस आइडिया ऑफ ए कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम्स केम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स तो एक एक हम बोल सकते हैं कि एक आइडिया जो होता है कम्युनिटी का उसे जो है री इनफोर्स करना इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था एक सिंगल जो आइडिया होता है उसे री इन्फोर्स करना एक सिंगल कम्युनिटी के तौर पे जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे उन सभी को जो है यहाँ पे एक सिंगल आइडिया एक एज ए कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे जो है उन्हें स्टेबल जो है यहाँ बोल सकते हैं या फिर उन्हें इस्टेब्लिश यहाँ पे करना था सभी मुस्लिम्स को राइट तो उनके लिए जो है वो मोस्ट यहाँ पे बना देते हैं, तो की जो, जो, तो जो, जो मुस्लिम थे क्योंकि जो से उस समय में वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे तो उन्हें जो है एक कम्युनिटी में जो है कंबाइन कर दिया था यहाँ पे कई सारी मॉस्कियोज बना के उनके लिए एक प्लेस यहाँ पे बना के सो डेट के वहां पे आके वो प्रेयर कर सके राइट सो विल कंटिन्यू विम चैप्टर तो ये पार्ट वन हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर थ्री का कवर किया है सो चैप्टर नंबर थ्री को कंटिन्यू करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो तो उसका पार्ट टू जो हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन सो डेट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर आई अप्रोड अडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे बाय